Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss another important act which was passed by the British government in 1833. So we call it Charter Act of 1833. इस वीडियो में हम आज इस एक्ट के तमाम फीचर्स को डिटेल के साथ कवर करेंगे. तो चले स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर हम लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करें जिसमें हमने एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी वो सिर्फ टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना तक कन्फाइंड और लिमिटेड हो चुकी थी. जबकि चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1833 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली होती है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है. तो जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ इस कंपनी के स्टॉप हो जाते हैं तो अब पीछे क्या रह जाता है, अब कंपनी जो है वो होली सोली या प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल बॉडी बन जाती है इस एक्ट के बाद. सही है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसको रीडिजिग्नेट किया गया, मींस उसको चेंज करके क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया. सो इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गए और यूं कंट्री जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से एक यूनिफाइड वन कंट्रोल में आ जाती है. क्लियर. अच्छा, नेक्स्ट क्या था कि इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल के पावर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मींस उनको पूरे ब्रिटिश इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर हासिल हो जाती है, जबकि बाकी जो मतलब सेंट्रल लेजिस्लेशन की पावर अब किसके पास होती है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास होती है, जबकि बाकी जो गवर्नर से मींस जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंसीज थे या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो थे बम्बई और मद्रास के, उसको ख़त्म कर दिया जाता है. तो इस तरह उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी ख़त्म हो जाती है और यूं अब तमाम जिम्मेदारी किसके पास आ जाती है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास. अब वो तमाम लॉज जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया के लिए बनाएगा. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का कि इसमें लॉ कमीशन को, इंडियन लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है और फर्स्ट जो लॉ कमिश्नर होता है वो कौन बन जाता है, लॉर्ड मैकॉले होता है. नेक्स्ट पॉइंट है कि जो गवर्नर जनरल की कौंसल थी, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि उनकी तादाद टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 3 थी, जबकि इस एक्ट में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इनकी तादाद दोबारा से बढ़ जाती है और वो 4 हो जाती है. अब ये फोर्थ मेंबर कौन था, ये फोर्थ मेंबर था ये लॉ कमिश्नर लॉर्ड मैकॉले था, उसको ऐड कर दिया जाता है इस गवर्नर जनरल की कौंसल में कि जब गवर्नर जनरल और कौंसल लॉ मेकिंग करेंगे, लेजिस्लेशन करेंगे, तो ये लॉर्ड मैकॉले जो है या लॉ मेंबर जो है उसकी लेजिस्लेशन में हेल्प करेंगे. आगे क्या था कि इस एक्ट में ये मैंडेटरी करार दिया गया कि जब गवर्नर जनरल और कौंसिल कोई लॉ बनाएंगे तो पहले उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूव करेंगे और अप्रूवल के बाद क्या होंगी कि वो जो लॉ होंगी वो एक्ट बन जाएंगी, उसको फिर एक्ट कहते थे. ठीक है. नेक्स्ट है अगर हम इस एक्ट में रेवेन्यू की बात करें तो ट्रेड जो मोनोपोली थी वो तो एबॉलिश हो चुकी थी. अब रेवेन्यू कहाँ से आती थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो ब्रिटिश पोजेशंस थे इंडिया में उनसे आती थी, जो टैक्सेस कलेक्ट होते थे तो वहाँ से रेवेन्यू आती थी. क्लियर. लास्ट पॉइंट इस एक्ट का क्या है कि दिस वॉज द फर्स्ट एक्ट दैट गिव परमिशन फॉर इंडियंस टू हैव अ शेयर इन दी कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन. वो किस तरह,
वो प्योरली एक मेरिट की बुनियाद पर उनको इंडियंस को परमिशन दी गई, अलाउ कर दिया गया कि वो मेरिट की बुनियाद पर उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाने लगी। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।